वजीर तलासिन शर्जील इनाम मेमन ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा कि पीपी से गुजारिश करूंगा कि एक टिकट लाहौर से दे। वो दिन दूर नहीं जब लाहौर पीपल्स पार्टी का कला होगा। पाकिस्तान की सालमियत पर सोशल मीडिया के जरिए हमला किया गया है। इनका मकसद मुल्क की सालमियत इदारों को नुकसान पहुंचाना है। मुल्क से बाहर स्पॉन्सर ने पाकिस्तान के इदारों पर हमला किया। आपके इलेक्शन जो है जिन जिन नुमाइंदों को पार्टी टिकट देती है उनका बागू बनना है इसी सोशल मीडिया के जरिए। इनका मकसद क्या है कि इख्तदार के हुसूल के लिए हर हद को दूर कर जाना है। आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी और गिरी हुई साजिशें की जा रही है। इसलिए एक सोशल मीडिया के तहत एक खतरनाक हमला किया गया है जो स्पॉन्सर मुल्क से बाहर हो रहा है। पाकिस्तान की सालमियत पे, पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान की सियासत पर आपके लीडर कभी घबराए नहीं। आपके लीडर कभी मुकदमा से डर के मुल्क से बाहर गए नहीं। आपके लीडर बाल्टियां पहनकर कभी कोर्टों में जाते नहीं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पास पानी। गोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समात की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।